दब दब गई है ये देखो, ये देखो हनुमान है ये। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग होने वाला है थोड़ा स्पेशल, क्योंकि आज रूपा का बर्थडे है। तो चलिए देखते हैं रूपा क्या कर रही है। Hey guys, happy birthday! Thank you. हम मामा को मैं happy birthday नहीं बोलती है, नहीं गिन रही थी। मम्मी का बर्थडे है बेटा, बोल दे happy birthday, wish करो, बोल दो मम्मी को। इसे मैं border लगा के तैयार कर रही हूँ। ये देखो बाबू ready हो रहा है। Happy birthday बोल दो मम्मी को। Hello guys, पहले बोलो। Hello guys. अच्छा गाइस, मैंने बाबू को सुला दिया। एक्चुअली वो बहुत ज्यादा ही रो रहा था। मेरे मॉम डैड आए ना, तो वो बोल रहा था कि बार बार बाहर लेके जाओ, और ज्यादा लोग को देखते हैं तो जानते ही हो बच्चे लोग घबरा के रोने लगते हैं। तो इसीलिए मैं उसे थोड़ा देर सुला दी हूँ, ताकि वो सो के उठेगा तो अच्छा से खेलेगा, रिलैक्स रहेगा करके। चल ठीक है, तो आते हैं मार्केट से। ठीक है, कितना टाइम लगेगा पता नहीं। वहां जाने के बाद पापा बोले हैं चलो कुछ काम है, देखते हैं। जल्दी आ जाना। हाँ ठीक है ना, तब तक मैं तैयारी करके रखूंगी। खाना वाना बना के रखना, फिर वहाँ से आने के बाद फिर खाएंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है। सो गाइस, मैं जा रहा हूँ मार्केट, मैं और मेरे फादर इन लॉ। सो गाइस, रूपा अंदर है और मैं बाहर आ गया हूँ, और मैं काफी धीरे धीरे बात कर रहा हूँ क्योंकि सुन ना ले। और गाइस, मैं और मेरे फादर इन लॉ दोनों जा रहे हैं रूपा के लिए कुछ सरप्राइज गिफ्ट लाने, जो उसको बिल्कुल भी पता नहीं है। और ना बस वो पूछ रही थी कि कहाँ जा रहे हो, तो मैंने बता दिया कि मैं मार्केट जा रहा हूँ, आता हूँ थोड़ी देर में। अब उसका रिएक्शन देखने लायक रहेगा गाइस, कि वो क्या कैसा रिएक्ट करती है वो देख के। सो गाइस, हम लोग मार्केट से आ गए हैं और रूपा के लिए सरप्राइज गिफ्ट भी ले लिया है। वो जो मेरे पीछे है वो आप लोग देख रहे होंगे, अब उसका रिएक्शन देखना। तो यहाँ तक ले आया हूँ गाइस मैं, अब इसको अंदर ले जाएंगे और रूपा का रिएक्शन देखेंगे कि वो क्या बोलती है। वेट एंड वॉच। रूपा कहाँ? उधर उधर घूम, पहले पीछे पीछे। हाँ क्यों? उधर घूम, आँख मत खोलना, चीटिंग मत करना, फिर सामने देख, इधर सामने घूमो, मेरे तरफ आँख बंद। चलो अब खोलो। तो कैसा लगा बर्थडे गिफ्ट? बहुत अच्छा। यही लेने गए थे मैं और पापा। हाँ हाँ, मुझे चरा सा भी आइडिया नहीं है कि मेरा गिफ्ट ये हो सकता है। चलो इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। पहले खाना खाएंगे, उसके बाद पहले पेट का अनबॉक्सिंग करना है। नहीं पहले मुझे ये देखना है। ये देखो गाइस, रूपा का बर्थडे गिफ्ट। इसका हम लोग ने आधा तो अनबॉक्सिंग कर लिया है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। ये हम लोग पहले से निकाल चुके हैं, बस ऊपर से आप लोग को दिखाने के लिए। ये चलो मैं आपको दिखाती हूँ इसका लुक कैसा है। हाँ, 1 2 3 निकालो। ये रूपा कर रही है अपना गिफ्ट अनबॉक्सिंग, और देखो आराम से, और इसको देख के देखो बाबू भी उठ गया है, सोया था वो, उठ गया। हेलो गाइस, ये देखो गाइस, मैंने अपना जो काम है ये देखो दब दब गई है। ये देखो गाइस, ओ दब गई है गाइस। देखो मैं इतना मेहनत कर रही हूँ अपने गिफ्ट के लिए। वाह, कहाँ है? चल हनुमान, ये देखो हनुमान है ये। ये पहाड़ उठा के जा रही है, गिर मत जाना उसको लेके। मेहनत बाप रे।
गाइस मेरा बर्थडे का गिफ्ट है, लेकिन रियली में ये जो है ना, ये कार्टून बोलते हैं इसको, इतना हैवी है, इतना हैवी कि मेरा आधा किलो वजन कम हो गया होगा। गाइस ये है रूपा का सरप्राइज गिफ्ट, जो इसको खुद नहीं पता था कि आने वाला है। नहीं पता था, रियली भी नहीं पता था। एक्चुअली ऐसा हुआ ना कि मैं सो के उठी और मेरे सामने ये आ गया। हाँ, इसको पता ही नहीं था कि आने वाला है। और हम लोग गए मार्केट लेके आ गए, तब अभी देखिए वो खोल के कि हाँ कैसा है क्या है। चलो मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 ये गाइस देखो इसके अंदर का लुक है। गाइस एक्चुअली मुझे ना बिल्कुल भी आइडिया नहीं था यार कि ये मेरे गिफ्ट हो सकता है, क्योंकि मेरे पापा और मेरे पति देव गए थे मार्केट, वो बोले थे कि हम लोग आ रहे हैं ऐसे ही, मतलब मेरे पापा बोल के गए थे। लेकिन फिर जब जैसे ही आया मैं सडनली तो मैं शॉकिंग रह गई। सो गाइज फ्रिज आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना। और मैं आज का ब्लॉग यहीं एंड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे सास ससुर को अब वापस जाना है, अब मैं जा रहा हूँ उन लोग को छोड़ने के लिए। तो कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। बाय, मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ।